गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून डियर, गुड आफ्टरनून। तो लास्ट क्लास में डियर स्टूडेंट्स, हमने बात किया था किस डोसेज फॉर्म के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में। तो बिना लेट किए हुए आज हम बात करते हैं नेक्स्ट डोसेज फॉर्म, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा हमारा? इमल्शन। हम बात करेंगे किसके बारे में? इमल्शन के बारे में। गुड आफ्टरनून डियर, ठीक है। अब हम प्रोसीड करते हैं, कौन सा डोजेस फॉर्म है हमारा? क्या? इमल्शन। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इमल्शन हमारे होते क्या है, इस क्लास में हम क्या क्या कवर करेंगे, इमल्शन हमारे क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट का क्या रोल है, और जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे एमसीक्यू है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इमल्शन क्या होते हैं। तो इमल्शन हमारा क्या होता है? बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। सबसे पहली चीज क्या है, ये हमारे क्या होते हैं? इमल्शन बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। अब क्या होते हैं? दो इमिसिबल लिक्विड होते हैं। अब वो दो इमिसिबल लिक्विड क्या होते हैं? इधर वाटर, वाटर और ऑयल, ये दोनों आपस में क्या करते हैं? इंटरफेसियल लेयर फॉर्म करते हैं, और इसी इंटरफेसियल लेयर को हम क्या करते हैं? इमिसिबल जो होता है, मिसिबल बनाते हैं किसके थ्रू? इमल्सिफाइंग एजेंट के थ्रू। किसके थ्रू? इमल्सिफाइंग एजेंट के थ्रू। अब वो इमल्सिफाइंग एजेंट हमारे काम कैसे करते हैं, क्या उनके लकी ड्रॉ टाइम बच्चे, उसके बारे में अभिषेक सर अनाउंस करेंगे। आप अभी क्लास पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं इमल्शन की। तो इमल्शन हमारे क्या होते हैं? बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं। उसमें क्या होता है? हमारे इमिसिबल लिक्विड होते हैं जिनको हम क्या करते हैं? इमल्सिफाइंग एजेंट के थ्रू वो क्या होते हैं? मिक्स होते हैं, आपस में मिसिबल होते हैं। देन दो फेज होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दो फेज होते हैं इसमें। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज इंटरनल, देन एक्सटर्नल। इंटरनल फेज को ही हम क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस फेज। डिसकंटिन्यूअस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो उसमें ग्लोब्यूल्स होते हैं डिस्पर्स्ड फॉर्म में होते हैं। डिस्पर्स्ड फॉर्म यानी कि डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होते हैं। देन नेक्स्ट क्या आता है हमारा? एक्सटर्नल फेज। एक्सटर्नल फेज यानी कि वो आपका क्या होता है? कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, यानी कि उसको डिस्पर्जन मीडियम भी बोलते हैं और कंटिन्यूअस फॉर्म भी बोलते हैं। किसको? एक्सटर्नल फेज को। क्वेश्चन भी इसी पे पूछा जाता है कई बार कि लाइक आपका वनिशिंग क्रीम हुआ, इसमें आपका एक्सटर्नल फेज क्या है? तो जल्दी से बताइए, वनिशिंग क्रीम में एक्सटर्नल फेज आपका क्या है? ऑयल इन वॉटर, ऑयल इन वॉटर टाइप का आपका क्या एग्जाम्पल है? वैनिशिंग क्रीम। देन इसमें आपका जो इंटरनल फेज होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका ऑयल, और जो कंटिन्यूअस फेज होता है वो होता है आपका वॉटर। और यही रीजन है कि ये नॉन ग्रीसी फॉर्म, अगर इसको बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो ये ग्रीसी फॉर्म, ग्रीसी अपीयरेंस फॉर्म नहीं करते, यानी कि अगर आप इसे वॉश करेंगे तो ये इजिली वॉश आउट हो जाते हैं। देन हम बात करते हैं किसका? इमल्शन इज ए कोर्स डिस्पर्जन हैविंग ग्लोबुल साइज 0.1 से 100 मिलीमीटर। किसकी? इमल्शन की। अब अगर हम बात करते हैं किसकी? फाइन इमल्शन और माइक्रो इमल्शन, नैनो इमल्शन। तो इन तीनों की रेंज अलग अलग होती है। किसकी? फाइन इमल्शन, नैनो इमल्शन और माइक्रो इमल्शन। तो जो माइक्रो इमल्शन होता है उसकी हमारी रेंज होती है
0.01 माइक्रोमीटर, कितनी 0.01। अब जल्दी से बताइए नैनो इमल्शन की क्या रेंज होगी, नैनो इमल्शन की रेंज क्या होगी, जो कि आपका क्या है स्मॉलेस्ट इन साइज है, किसका नैनो इमल्शन। वेरी गुड डियर अभिषेक, जो फाइन होते हैं इमल्शन उनकी रेंज जो होती है कितनी होती है 0.25 से 25 माइक्रोमीटर। और जब बात करते हैं माइक्रो इमल्शन की तो उसका जो होता है हमारा पार्टिकल साइज कितना होता है 0.01 माइक्रोमीटर। वेरी गुड प्रगति सर, कोस डिस्पर्जन मीन्स, कोस डिस्पर्जन मीन्स बच्चे जो हमारा पार्टिकल साइज है, जो ग्लोब्यूल्स है वो क्या अनडिस्ट्रीब्यूटली हमारे थ्रू आउट द सिस्टम प्रेजेंट होता है, किसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, किसमें, जो भी हमारा इमल्शन का सिस्टम है। देन हम आते हैं किस पे, इट इज इट मे बी डिफाइंड एज बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म टू लिक्विड्स आर इमिसिबल विथ ईच अदर। देन थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है। थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या करते हैं हीट एनर्जी और टेम्परेचर के बारे में स्टडी करते हैं, किसके बारे में हीट एनर्जी और टेम्परेचर के बारे में। तो ये क्या होते हैं थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होते हैं, मींस ये टेम्परेचर पे क्या होंगे अनस्टेबल हो जाएंगे, किस पे टेम्परेचर पे, इलिवेटेड टेम्परेचर पे अनस्टेबल हो जाएंगे। इमल्सिफाइंग एजेंट आर नीडेड, यानी कि इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट हम ऐड करते हैं। देन एडवांटेज क्या क्या है, बैड टेस्ट, सॉरी जो भी हमारी ड्रग है जिसका टेस्ट बैड है उसको टेस्ट को हम हाइड करने के लिए हम क्या करेंगे इमल्शन का यूज करेंगे। सपोज हमारा ऑयल इन वॉटर टाइप का इमल्शन है तो जो ऑयल ग्लोब्यूल्स हैं यानी कि जो भी हमारी ड्रग ऑयली ड्रग है उसका अगर क्या टेस्ट जो है बिटर है, बिटर है, बैड है या एक्रिड है, तो हम उसको क्या करेंगे वॉटर में डिजोल्व करके हम दे रहे हैं, वॉटर में मिक्स करके उसको मिसविल करा के दे रहे हैं, किस लिए उसके टेस्ट को, जो भी उसका बैड टेस्ट है उसको हाइड कराने के लिए। देन आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन, तो तीन फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स फेज यानी कि इसका क्लासिफिकेशन हमारा जो होता है तीन फैक्टर्स पे होता है। पहला कौन सा है हमारा डिस्पर्स फेज, यानी कि या तो ऑयल इन वाटर होगा और वाटर इन ऑयल, उस पे हमारा क्लासिफिकेशन होगा इमल्शन का, यानी कि कंटिन्यूअस फेज हमारा क्या है किसी में वाटर है और सेकेंड वन हमारा क्या है कंटिन्यूअस फेज क्या है ऑयल है। देन ग्लोब्यूल साइज, जब हम ग्लोब्यूल साइज की बात करते हैं तो हम तीन टाइप के इमल्शंस की बात करते हैं, कौन कौन से, माइक्रो, नैनो और फाइन। इसमें से क्वेश्चन पहला तो आपके साइज से पूछा जाता है, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जो फाइन है या फिर माइक्रो इमल्शन है इसका अपीयरेंस कैसा होगा। ऑप्शन में दे रहा हूं आपके लिए मिल्की या फिर टर्बिड, क्लियर होगा या फिर क्या होगा आपका कोई भी नन ऑफ दी अबव। तो जल्दी से बताइए माइक्रो फाइन कैसे आपके अपीयरेंस फॉर्म करेंगे। यस डियर मल्टीपल इमल्शन, अभी उसके बारे में भी आएंगे। वेरी गुड डियर प्रगति, मिल्की, ठीक है। तो जो हमारा माइक्रो इमल्शन होता है उसकी साइज क्या होती है 0.01 माइक्रोमीटर। देन जो फाइन होता है उसकी साइज होती है हमारी 0.25 से 25 माइक्रोमीटर, कितनी 0.25 से 20 माइक्रोमीटर। देन अगर हम नैनो पे आते हैं तो वो 10 से 1000 नैनोमीटर पे आता है। तो जो हमारा माइक्रो इमल्शन होता है, माइक्रो इमल्शन ये क्या होता है ट्रांसपेरेंट होता है। क्वेश्चन आपका आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है कि माइक्रो इमल्शन आपके कैसे अपियरेंस फॉलो करते हैं, शो करते हैं, तो वो आपका क्या करते हैं ट्रांसपेरेंट। वही जो फाइन फाइन होता है वो आपका मिल्की अपियरेंस शो करता है, क्यों करता है, क्योंकि जो फाइन होते हैं हमारे
उसके जो पार्टिकल्स ग्लोब्यूल्स होते हैं उस पे क्या होती है, लाइट हमारी स्कैटर्ड होती है। जब लाइट हमारी स्कैटर्ड होती है तो इसका जो साइज होता है बड़ा होता है, ग्लोब्यूल्स के साइज इसमें बड़े होते हैं, किसमें, फाइन में। तो क्या होता है, लाइट स्कैटर्ड होती है जिसकी वजह से वो मिल्की अपियरेंस शो करता है। देन आता है हमारा मल्टीपल इमल्शन में हमारे कौन से होते हैं, मल्टीपल इमल्शन में हमारे आते हैं ऑयल इन वाटर इन ऑयल टाइप, या फिर वाटर इन ऑयल इन वाटर टाइप। ये हमारा किस में आता है, मल्टीपल इमल्शन में ये हमारे आते हैं। हाँ बच्चे सही है, ट्रांसपेरेंट होता है। देन नेक्स्ट आता है हमारा स्पेशल साइज ऑफ इमल्शन। स्पेशल साइज ऑफ इमल्शन में हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, माइक्रो इमल्शन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो स्पेशल साइज ऑफ इमल्शन में साइज ऑफ ग्लोब्यूल्स मेनली 0.1 से 10 माइक्रोमीटर जनरली। देन हम क्या बात करते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज 74%। ये हमारा दो केस में होता है, एक होता है हमारा ऑयल इन वाटर और एक होता है वाटर इन ऑयल। अब ये बताइए, एक होता है 40% और एक होता है 74%। तो जल्दी से आंसर दीजिए, ऑयल इन वाटर में कितना होगा और वाटर इन ऑयल में कितना होगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आंसर दीजिए बच्चे कि फेज वॉल्यूम रेशियो में आपका ऑयल इन वाटर में और वाटर इन ऑयल में आपका कितना रेशियो होगा। अगर फेज वॉल्यूम रेशियो हम ऑयल इन वाटर की बात करते हैं तो वो होता है हमारा 74%। यानी कि अगर 74% से हमारा ज्यादा होता है कौन सा फेज, इंटरनल फेज, तो वो क्या करेगा, फेज इन्वर्जन। जो फेज वॉल्यूम रेशियो है वो क्या करेगा, फेज इन्वर्जन। देन वाटर इन ऑयल टाइप के लिए जो होता है वो होता है हमारा 40% होता है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा और इसको याद रखिएगा। वेरी गुड योगेश कुमार, 40 नेड ईयर ऑयल इन वाटर में आपका होगा 74। देन हम आते हैं किस पे, सुटेबल फॉर डोजेस फॉर्मुलेशन ऑलिव ऑयल विटामिन ए एंड वाटर। एक क्वेश्चन यहाँ आपका इंपॉर्टेंट ये है कि जो विटामिन ए होता है वो हम किसमें किसमें मिक्स करके देते हैं। तो जो विटामिन ए होता है उसको हम कॉर्न ऑयल में मिक्स करके देते हैं, और ये आपका इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है कि विटामिन ए जो होता है हम, ये पहली बात तो विटामिन ए क्या होता है हमारा, फैट सॉल्यूबल होता है। तो ये हम किस फॉर्म में देंगे, ये हम देंगे ऑयल इन वाटर फॉर्म में, किसमें, ऑयल इन वाटर फॉर्म में। और इसको विटामिन ए को हम किसमें मिक्स करते हैं, कॉर्न ऑयल में, किसमें, कॉर्न ऑयल में। तो इंटरनल हमारा जो फेज होता है वो क्या होता है, विटामिन ए मिक्स इन कॉर्न ऑयल। देन हमारा बेंजाइल बेंजोएट जो सिस्टम होता है उसमें, वो हमारा क्या होता है, वो एक्सटर्नल फेज होता है, उसमें मिक्स करके हम ये एडमिनिस्टर करते हैं। वेरी गुड प्रगति, कॉर्न ऑयल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट हम आते हैं, सुटेबल फॉर डोजेस, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, माइक्रो इमल्शन। माइक्रो इमल्शन से हमारे कई बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैट सोल्यूबल, विटामिन ए डी ई के, करेक्ट सरिता। नेक्स्ट हमारा क्या है, माइक्रो इमल्शन। माइक्रो इमल्शन क्या होते हैं, क्लियर होते हैं, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू जो हमारा सिंपल इमल्शन होता है। क्यों, क्योंकि जो इसकी पार्टिकल साइज होती है अगर हम रिड्यूस करेंगे तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। अगर पार्टिकल साइज को हम रिड्यूस करेंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। देन लिक्विड मिक्सचर ऑफ ऑयल वाटर एंड सर्फेक्टेंट, क्या होता है, लिक्विड मिक्सचर होता है किसका, ऑयल वाटर और सर्फेक्टेंट का। देन द इक्वस फेज में कंटेन सॉल्ट, जो हमारा इक्वस फेज होता है वो क्या करता है, यूजुअली सॉल्ट या फिर जो भी हमारे बाइकार्बोनेट इंग्रेडिएंट होते हैं वो हम किसमें, वाटरी फेज में हम डिजोल्व करते हैं, और जो हमारे ऑयल ग्लोब्यूल्स होते हैं, जो भी हमारे हाइड्रोकार्बन फॉर्म होते हैं वो हमारे किसमें होते हैं, ऑयल फेज में डिजोल्व होते हैं, किसमें, ऑयल ऑयल फेज में। देन जो होता है हमारा ऑर्डिनरी इमल्शन जो होता है एज कंपेयर टू, उसमें शियर स्ट्रेस की नीड होती है, हाई शियर स्ट्रेस की, किसमें, ऑर्डिनरी में। बट जो हमारा माइक्रो इमल्शन होता है
उसमें हाई सीयर स्ट्रेस की नीड नहीं होती, किसमें? माइक्रो इमल्शन में। देन तीन टाइप के हमारे बेसिकली माइक्रो इमल्शन होते हैं, कौन कौन से? ऑयल डिस्पर्स्ड यानी कि ऑयल इन वाटर, देन वाटर इन ऑयल, और बाई कंटिन्यूअस। तो बाई कंटिन्यूअस जो हमारे इमल्शन होते हैं उसमें क्या होता है, होमोजीनस फॉर्म होता है और उसमें ऑयल और वाटर दोनों कंटिन्यूअस फेज में होते हैं। किस फेज में होते हैं? कंटिन्यूअस। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यस डी एस सही है कृष्णा यादव, इमल्शन अनस्टेबल होता है, माइक्रो इमल्शन स्टेबल। यस एज कंपेयर टू इमल्शन, माइक्रो इमल्शन हमारा ज्यादा स्टेबल होता है। देन आता है हमारा क्या, माइक्रो इमल्शन हम बात करते हैं इस फिगर में, हम देखते हैं जो हमारा हाइड्रोफिलिक फेज है और ये हमारा क्या है, हाइड्रोफोबिक, और जो हमारे हेड पोर्शन है ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, हमने पहले भी बात की थी। देन हमारे क्या आते हैं, को सर्फेक्टेंट। को सर्फेक्टेंट क्या होते हैं? को सर्फेक्टेंट हमारे वो एजेंट होते हैं जो सर्फेक्टेंट की प्रॉपर्टी को, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी जो है मिक्सिंग प्रॉपर्टी, उसको इंक्रीज करते हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि सर्फेक्टेंट, को सर्फेक्टेंट के एग्जाम्पल आप जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए किसके, को सर्फेक्टेंट के। एनीवन डियर जल्दी से बताइए। हाँ इनहांस सॉल्युबिलिटी रेंज बच्चे, लेकिन इसका एग्जांपल बताइए, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जांपल है बच्चे ग्लिसरॉल, ब्यूटेनॉल, सॉर्बिटॉल, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, हमारे को सर्फेक्टेंट के। और ये मेनली हमारे एमाइंस होते हैं, एमाइंस डेरिवेटिव होते हैं, C4 से C10 कार्बन तक जो होते हैं ये हमारे इसमें यूज होते हैं। टेल पोर्शन लाइपोफिलिक होता है ना सर? यस डियर टेल पोर्शन लाइपोफिलिक ही होता है। देन हम किस पे आते हैं, थ्री टाइप के हमारे होते हैं। देन हम यह बात करते हैं कैसे हमारे माइक्रो इमल्शन में सर्फेक्टेंट इसको क्या करते हैं, स्टेबिलिटी, इसकी मिक्सिंग इमिसिबिलिटी है, उसको ओवरकम करते हैं। को सर्फेक्टेंट इंपॉर्टेंट है, को सर्फेक्टेंट के एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। वेरी गुड डियर योगी, सॉर्बिटॉल। C4 से C10 आपके एल्कोहल एंड एमाइंस होते हैं, किसमें, को सर्फेक्टेंट में, किसमें, को सर्फेक्टेंट में। एग्जाम्पल हमने डिस्कस ही कर लिया कौन कौन से होते हैं। देन नेक्स्ट आते हैं हम किसके बारे में, एग्जाम्पल ऑफ इमल्शंस। एग्जाम्पल्स ऑफ इमल्शन में यूजुअली इसके जो भी फेज है, लाइक आपका कौन सा इंटरनल फेज है, कौन सा एक्सटर्नल फेज है, उससे आपका मोस्टली कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। अगर आपका वाटर इन ऑयल है तो आपका कोल्ड क्रीम होगा, अगर आपका ऑयल इन वाटर है तो वैनिशिंग क्रीम होगा। दोनों में डिफरेंस भी जानिए, लाइक आपका जो वैनिशिंग क्रीम है वो किसका टाइप है, आपका नॉन ग्रीसी का टाइप है, और जो कोल्ड क्रीम है क्या है, ग्रीसी फॉर्म, ग्रीसी अपियरेंस फॉर्म करते हैं आपका अप्लाई करने के बाद। सॉर्बिटॉल, बेंजल कोनियम क्लोराइड। देन आपका क्या आता है, पेरेंट्रल इमल्शन। एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी हम इंटरनली यूज करते हैं, जो भी इमल्शन हम इंटरनली यूज करते हैं उसमें हम कौन सा यूज करते हैं, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइक पेरेंट्रल में हम कौन से इमल्शन यूज करेंगे, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल। वेरी गुड रिमी, ऑयल इन वाटर। दीपांशु वेरी गुड, ऑयल इन वाटर सही है। नेक्स्ट आते हैं हम किस पे, ऑयल इन वाटर हमारे फैट सॉल्युबल विटामिंस एडीई के एंड सेक्स हॉर्मोन्स, ये सारे हमारे किस में आते हैं, पेरेंट्रल्स, और ऑयल इन वाटर के फॉर्म में ही ये दिए जाते हैं। देन हमारा क्या आता है, डायग्नोस्टिक इमल्शन, जिसमें रेडियो ओपेक, आप देखेंगे कभी भी आप क्या अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो कुछ जेल फॉर्म में क्या करता है, वो स्प्रेड करता है, वो भी हमारा क्या है, रेडियो ओपेक यानी कि डायग्नोस्टिक इमल्शन है, डायग्नोसिस पर्पस से वो यूज किया जाता है, एक्सरे में भी यूज किया जाता है। देन
कैस्टर ऑयल और कॉड लीवर ऑयल, ये आपका क्या है, ओरल इमल्शन के एग्जाम्पल है। कैस्टर ऑयल और कॉड लीवर ऑयल, कॉड लीवर ऑयल जो होते हैं विटामिन ए और विटामिन डी रिच होते हैं, किसमें, विटामिन ए और डी। जल्दी से कॉड लीवर ऑयल का बॉटेनिकल बायोलॉजिकल सोर्स बताइए, किसका, कॉड लीवर ऑयल का, और ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, मैं आंसर लिख दे रहा हूं बट जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। एनीवन? हाँ बेटे, विटामिन ए और डी रिच होता है बट इसका बायोलॉजिकल सोर्स इंपॉर्टेंट है ये। गैडस मोरुवा होता है और फैमिली होती है, गैडी फैमिली होती है और नेम ही होता है इस फिश का, कॉड फिश जो होती है जिसका कॉड लीवर ऑयल जिससे हम ऑब्टेन करते हैं, गैडस मोरुवा, ठीक है, इसको याद रखिएगा, गैडस मोरुआ। देन कैस्टर ऑयल की बात करें तो रिसिनस कम्युनिस होता है, इसका नाम क्या होता है, वेरी गुड प्रगति, गैडस मोरुआ क्या होता है, रिसिनस कम्युनिस होता है, और फैमिली कैस्टर ऑयल की होती है U4BAC, जो कैस्टर ऑयल का प्लांट होता है इसका होता है फैमिली U4BAC, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर रखिएगा। और कॉड लीवर ऑयल से तो क्वेश्चन आया हुआ है आपका, इसके पहले भी पूछा जा चुका है। देन डिफरेंस बिटवीन ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल इमल्शन, वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर के बीच में आपका डिफरेंस क्या क्या है, तो यूजुअली क्या होता है, इंटरनल यूज में जो होते हैं क्या, बिटर ऑयल, बिटर टेस्ट ऑफ ऑयल कैन बी मास्क, यानी ये हमने पहले भी डिस्कस किया था अभी स्टार्टिंग में ही, कोई भी ऑयल है अगर वो बिटर इन टेस्ट है तो उसके बैड टेस्ट को मास्क करने के लिए, प्रोवाइड कूल इफेक्ट लाइक वैनिशिंग क्रीम, वैनिशिंग क्रीम क्या है हमारी, ऑयल इन वाटर है, वाटर क्या है इसमें कंटिन्यूअस फेज है, तो इसलिए क्या करेगा, कूलिंग सेंसेशन प्रोवाइड कराएगा। और वहीं पे अगर हमारी कोल्ड क्रीम है, कोल्ड क्रीम है वो क्या कराएगी, मॉइस्चर, मॉइस्चर देगी, क्यों देगी, क्योंकि ये किस टाइप का है, वाटर इन, वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल टाइप का है। देन आपका क्या आता है, वाटर इज डिस्पर्स्ड मीडियम एंड ऑयल इज द डिस्पर्स फेज, जो कि एज हम सब जानते हैं कि जो वाटर होता है डिस्पर्स फेज में होता है, किसमें, ऑयल इन वाटर में, किसमें, ऑयल इन वाटर में, और यहाँ पे हमारा जो वाटर इन ऑयल है उसमें क्या होता है, ऑयल हमारा क्या होता है, डिस्पर्स मीडियम होता है। नॉन ग्रीसी जो होते हैं वो इजिली रिमूव होंगे क्योंकि वो स्टिकी इन नेचर नहीं होंगे, और जो ग्रीसी होते हैं वो नॉन रिमूवेबल होंगे। U4BAC, वेरी गुड डियर नीलेश, U4BAC, नेक्स्ट आता है आपका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट से बच्चे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, किससे, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट से। तो पहला हम बात करते हैं कलर की, तो ऑयल इन वाटर जो होता है वो यूजुअली क्या होता है, व्हाइट होता है, बट जो वाटर इन ऑयल होता है वो डिपेंड करता है कि आपका जो ऑयल है उसका कलर क्या है। टेक द कलर ऑफ ऑयल, यानी कि जो आपका ऑयल का कलर है वही फॉर्म करेगा, किसमें, वाटर इन ऑयल टाइप के इमल्शन में। देन दूसरा क्या है, फील ऑन स्किन, स्किन पे किसका कौन सा फील होगा, तो जो वाटर ऑयल इन वाटर है ये क्या होगा, नॉन ग्रीसी होगा, क्योंकि इसका कंटिन्यूअस फेज वाटर है इसलिए ये नॉन ग्रीसी और नॉन स्टिकी होगा। यस डियर, स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले सकते हैं। देन डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट, डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन मेनली डाई से पूछा जाता है कि अगर वाटर इन ऑयल है तो उसमें हमारी कौन सी डाई यूज होती है, सुडान और अमरंथस हमारी किसमें यूज होती है। देन दूसरा हमारा क्या है, वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल में आपकी मेनली डाई कौन कौन सी यूज होती है, तो जब इसमें डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट में होता क्या है, जो इंटरनल फेज होता है, जो भी हम डाई यूज करते हैं वो इंटरनल फेज, पर्टिकुलर अगर ऑयल इन वाटर है तो इसमें हम जो डाई यूज कर रहे हैं, अगर वो ऑयल जो कि क्या है इंटरनल फेज है उसमें हमारी मिक्स हो जाती है, तो वो क्या शो करता है कि वो हमारा ऑयल इन वाटर टाइप का है। मतलब कंडीशन यहाँ पे ये है कि जो भी हमारी डाई है वो मिक्स होनी चाहिए इंटरनल फेज के साथ, एक्सटर्नल फेज का रोल इसमें नहीं है। इसी तरह हमारा वाटर इन ऑयल टाइप में हम वाटर सोल्यूबल डाई का यूज करते हैं, लाइक आपका कौन सा होता है, एमरेंथ एंड
मेथिलीन ब्लू, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेन एग्जाम्पल ही पूछता है मोस्टली, कई बार पूछा भी गया है। और सेकेंड है क्या आपका, ऑयल इन वाटर में स्कारलेट रेड और सुडान थर्ड, स्कारलेट रेड और ये सुडान थर्ड आपका किसमें यू आता है आपका ऑयल इन वाटर टाइप में, यानी कि ये आपका किसमें सॉल्युबल है, ऑयल में सॉल्युबल है जो कि आपका क्या है इंटरनल फेज है। देन आता है आपका ब्लोटिंग पेपर टेस्ट, कौन सा आता है आपका ब्लोटिंग पेपर टेस्ट, इसमें क्या होता है ऑयल इन वाटर में क्या होता है जो आपका पेपर होता है वो एब्जॉर्ब करता है किसको ऑयल को, बट इसमें क्या होता है वाटर इन ऑयल में ये एब्जॉर्ब नहीं करता किसको आपका वाटर इन ऑयल टाइप के इमल्शन में, तो इसी वजह से वो आपका वेट नहीं होता। देन नेक्स्ट आता है आपका क्या कंडक्टिविटी टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट इसको सिंपल समझिए, जो आपका वाटर होता है वो क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का क्या कराता है कंडक्शन कराता है। तो हमारा अगर ऑयल इन वाटर है यानी कि यहाँ पे क्या है वाटर जो है कंटिन्यूअस फॉर्म में है, तो जाहिर सी बात है अगर वाटर कंटिन्यूअस फॉर्म में है तो वो इलेक्ट्रिसिटी क्या कराएगा कंडक्ट कराएगा क्योंकि उसमें आपके चार्ज होते हैं आयंस होते हैं, बट आपका जो वाटर इन ऑयल टाइप है यानी कि ऑयल कंटिन्यूअस फॉर्म में है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, वहां पे कंडक्ट नहीं होगी इलेक्ट्रिसिटी। देन नेक्स्ट आता है आपका डायरेक्शन ऑफ क्रीमिंग, डायरेक्शन ऑफ क्रीमिंग से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कब आपका अपवर्ड क्रीमिंग होगा और कब डाउनवर्ड क्रीमिंग होगा, तो आपका जो वाटर होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है ज्यादा होती है, तो अगर हम ऑयल इन वाटर की बात कर रहे हैं किसकी ऑयल इन वाटर की, तो इसमें अपवर्ड होगा किसमें ऑयल इन वाटर की, क्योंकि वाटर क्या है ऑलरेडी कंटिन्यूअस फेज में है यानी कि ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा अपवर्ड फॉर्म करेगा, बट वाटर इन ऑयल है अगर यानी कि जो आपका वाटर है वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में है तो वो क्या करेगा हैवी है डेंसिटी उसकी ज्यादा है तो क्या करेगा डाउनवर्ड यहाँ पे क्रीमिंग फॉर्म करेगा। देन आपका क्या आता है फ्लोरोसेंस टेस्ट, फ्लोरोसेंस टेस्ट आपका जो वाटर ऑयल इन वाटर है वो क्या करेगा डॉट पैटर्न, केवल पैटर्न आपका इसमें पूछा जाता है कि कौन से पैटर्न फ्लोरोसेंस टेस्ट में कौन सा पैटर्न फॉलो करता है, तो आपका इसमें होगा डॉट पैटर्न और आपका जो होगा एग्जिबिट करेगा फ्लोरोसेंस थ्रू आउट द इमल्शन यानी कि पूरे के पूरे इमल्शन सिस्टम में ही आपका क्या करेगा फ्लोरोसेंस, और जो डॉट पैटर्न होता है उसमें आपका पर्टिकुलर एक डॉट और एक डिफिनिट रहेगा मतलब एक डिफिनिट शेप में ही आपका क्या कराएगा वो आपका फ्लोरोसेंस कराएगा। लास्ट आपका आता है कोबाल्ट क्लोराइड या फिर फिल्टर पेपर टेस्ट, तो इसमें आपका यूजुअली कलर पूछता है। यस डियर प्रगति ऑयल इन वाटर आपका अपवर्ड क्रीमिंग है सही है। देन नेक्स्ट आते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ इमल्शन, इमल्शन के फॉर्मुलेशन में मेनली हमारे कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट, तो सबसे पहले आपका यूज होता है आपका क्या सर्फेक्टेंट एंटीऑक्सीडेंट प्रिजर्वेटिव एंड फ्लेवरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव एंड फ्लेवरिंग एजेंट। तो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि कौन सा मार्वेल एनालाइजर आपका कहाँ यूज होता है, कौन सा है ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं, जल्दी से बताइए मैल्वर्न एनालाइजर का क्या यूज होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए बच्चे मैल्वर्न एनालाइजर का यूज क्या होता है। एनीवन पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन में ये वही इसका वही काम होता है जो आपका क्या होता है कॉल्टर काउंटर मेथड किस लिए होता है वो भी पार्टिकल साइज के लिए होता है और मैल्वर्न एनालाइजर ये भी आपका किस लिए होता है पार्टिकल साइज के लिए ही होता है, इंपॉर्टेंट है इसको याद रखिएगा कौन सा मैल्वर्न एनालाइजर। देन बात करते हैं हम सर्फेक्टेंट की, तो सर्फेक्टेंट मेन रोल इनका इमल्सिफाइंग एजेंट में क्या होता है सपोज ये ऑयल है
और ये वाटर है, इनके बीच में क्या होगा, एक इंटरफेसियल लेयर फॉर्म होगी। लेयर फॉर्म होगी तो क्या होगा, वहां पे एक इंटरफेसियल टेंशन फॉर्म होगा, क्योंकि ऑयल फेज अलग है, वाटर फेज अलग है, दोनों आपस में इमिसिबल है, इमिसिबल है। ये क्या करेगा, सर्फेक्टेंट यहाँ पे जो इंटरफेसियल टेंशन है उसको क्या कराएगा, रिड्यूस कराएगा। और जब इंटरफेसियल टेंशन को रिड्यूस कराएगा तो बच्चे यहाँ होगा क्या, ये आपस में मिसिबल हो सकेंगे, क्या होंगे, मिसिबल हो सकेंगे। और दे प्रिवेंट कोलेसेंस, कोलेसेंस क्या होता है, इमल्शन में स्टेबिलिटी, जब उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है तो कोलेसेंस में जो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में मिल के बड़े साइज के ग्लोब्यूल्स बना लेते हैं, यही होता है हमारा क्या, कोलेसेंस होता है, क्या, कोलेसेंस। रिड्यूस इंटरफेसियल टेंशन, यस नीलेश सही है। पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन, पार्टिकल साइज, वेरी गुड डियर, पार्टिकल साइज। देन आता है हमारा क्या, दे प्रिवेंट कोलेसेंस ऑफ ड्रॉपलेट एंड स्टेबलाइज द सिस्टम बाई एक्टिंग एज बैरियर टू ड्रॉपलेट्स, यानी कि जो बैरियर्स, जो हमारी ड्रॉपलेट्स हैं या जो भी हमारे ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं वहां पे क्या करता है, बैरियर फॉर्म करता है, और जो कोलेसेंस की डिफॉर्मिटी हो रही है उसको क्या करता है, ओवरकम कराता है। देन आता है क्लासिफाइड बाई प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड फैट सोल्यूबलाइजिंग ग्रुप, क्लासिफाइड बाई वाटर एंड फैट सोल्यूबलाइजिंग ग्रुप इन सेम मॉलिक्यूल। ये आपका गेट 92-93 दो बार और उसके बाद भी पूछा गया है, मोस्ट प्रोबेबली पूछा ही गया है, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। देन नेक्स्ट हम आते हैं किसके बारे में, मैकेनिज्म ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट एंड सर्फेक्टेंट, यानी कि जो भी हमारे, सबसे पहले तो जानिए जो नेचुरल होते हैं इन सभी के आपको क्या याद होने चाहिए, बॉटेनिकल सोर्स, बायोलॉजिकल सोर्स, बॉटेनिकल सोर्स आपको जरूर याद होने चाहिए, किसके, गुआर गम, अगार, पेक्टिन, जो भी है, स्टार्च, जिलेटिन, में हर एक को डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी क्लास लेट स्टार्ट हुई है, लेकिन इन सभी के आपको बॉटेनिकल नेम याद होने चाहिए, बॉटेनिकल सोर्स याद होने चाहिए और फैमिली। देन आते हैं हम सेमी सिंथेटिक पे, मेथाइल, ये सर्फेक्टेंट्स हैं जिनकी चार इसमें क्लास है, कौन कौन से, नेचुरल है, सेमी सिंथेटिक है, सिंथेटिक है एंड इनऑर्गेनिक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आप जल्दी से बताइए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होती है, एनीवन जल्दी से, किस केस में देते हैं, एनीवन, जब बात करते हैं हम एंटासिड में तो उसमें दो होता है, क्या होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम क्या कराता है, हमारा कॉन्स्टिपेशन कॉज कराता है, और मैग्नीशियम डायरिया कॉज कराता है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को काउंटरेक्ट करते हैं, इसीलिए हमारा हमेशा ये कॉम्बिनेशन में यूज होता है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमारा डायरिया यूज कराता है, इसीलिए ये कॉन्स्टिपेशन में यूज होता है। देन हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट एंड सर्फेक्टेंट, तो ये क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिकली स्टेबलाइज कराते हैं, थर्मोडायनेमिकली मतलब हीट, एनर्जी और टेम्परेचर, हम तीन चीजों की बात करते हैं उसमें, तो जो हमारा क्या है, इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करा रहा है, डिक्रीज इंटरफेसियल फ्री एनर्जी, क्या, डिक्रीज इंटरफेसियल फ्री एनर्जी, और दूसरा क्या कराता है, रिजिड इंटरफेसियल मैकेनिकल आपका बैरियर फॉर्म करता है, क्या करता है, रिजिड इंटरफेसियल मैकेनिकल बैरियर। तो इस मैकेनिज्म के थ्रू ये क्या कराता है, आपका सर्फेक्टेंट क्या कराता है, इमल्सिफाइंग एजेंट या फिर इमल्सिफिकेशन कराता है और इलेक्ट्रिकल डबल लेयर फॉर्म करता है, क्या कराता है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर फॉर्म कराता है कॉन्स्टिपेशन में। सर फ्री बुक का रिजल्ट कब है, बच्चे उसके बारे में अब शेख सर बताएंगे, मैंने पहले ही बात किया था। देन नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्या टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट, इससे यूजुअली आपके हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में कहीं ना कहीं से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट से।
देन कौन कौन से हैं हमारे, पहला आता है हमारा कौन सा, एनायनिक आता है, कौन सा, एनायनिक, कैटायनिक एंड नॉन आयनिक। तो एनायनिक में हम बात करते हैं किसकी, सोडियम लाउरिल सल्फेट, कौन सा, सोडियम लाउरिल सल्फेट, और इसका HLB कितना होता है, 40 होता है, और ऑलिव ऑयल का 1 होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। देन ट्राइटॉन X200 एंड सोडियम एसिटाइल सल्फेट, कौन सा है, सोडियम एसिटाइल सल्फेट एंड डॉक्यूसेट। डॉक्यूसेट हमारा एक एज ए ड्रग भी यूज किया जाता है, जल्दी से बताइए ये कहाँ एज ए ड्रग यूज किया जाता है। एनीवन, डॉक्यूसेट हमारा एज ए ड्रग, क्या फार्माकोलॉजिकल इसकी एक्टिविटी है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर करिए। वेरी गुड दिनेश, वेरी गुड प्रगति, 40, ठीक है। डॉक्यूसेट हमारा यूज होता है एज ए लेग्जेटिव, एज ए लेग्जेटिव ये यूज होता है। वेरी गुड सुहास, यू आर राइट, वेरी गुड। स्टूल शॉर्पनर, वेरी गुड, स्टूल शॉर्पनर, एज ए स्टूल शॉर्पनर यूज किया जाता है। देन आते हैं हमारे किसमें, कैटायनिक में आते हैं बेंजल कोनियम क्लोराइड, और ये मोस्ट वाइडली यही यूज होता है किस केस में, ऑप्थेल्मिक डोजेस के केस में, किसमें, ऑप्थेल्मिक में, और इसके कंसेंट्रेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जल्दी से इसका कंसेंट्रेशन बताइए कि इसका बेंजल कोनियम क्लोराइड का कंसेंट्रेशन क्या होता है, जल्दी से आंसर दीजिए, बेंजल कोनियम क्लोराइड का ऑप्थेल्मिक में किस कंसेंट्रेशन में ये यूज किया जाता है। वेरी गुड मास्टर दी ब्लास्टर, 0.01%। वेरी गुड, 0.01। देन आते हैं हम किस पे, नॉन आयनिक में, जिसमें आते हैं हमारे ट्विन स्पैन मरीज ब्रिज डाइएथेनोलामाइन PEG ट्विन 80। देन आपका एम्फोटेरिक में आता है कौन सा, एन एल्काइल अमीनो एसिड लेसिथीन एंड बीटाइन, कौन से, लेसिथीन बीटाइन और एन एल्काइल अमीनो एसिड, ये किसमें आते हैं आपके, एम्फोटेरिक में आते हैं। देन आपका क्या आता है, फॉर्म ऑयल इन वॉटर इमल्शन एंड वॉटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वॉटर इमल्शन, कौन से टाइप के आपके सर्फेक्टेंट हैं जो वॉटर इन ऑयल फॉर्म करेंगे और ऑयल इन वॉटर फॉर्म करेंगे, तो ट्विन्स जो होते हैं आपके क्या होंगे, ऑयल इन वॉटर फॉर्म करेंगे, और इसमें कौन सा, इसका सोलुबलाइजिंग एजेंट किस केस में यूज किया गया है, इससे आपका रिलेटेड जो क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन में ये एज ए सोलुबलाइजिंग एजेंट यूज किया गया है, कौन सा, ट्विन हमारा, और ये आया हुआ क्वेश्चन है। देन अकेसिया एंड बेंटोनाइट भी हमारे किसके एग्जांपल है, ऑयल एंड वाटर टाइप के इमल्शन में जो यूज होते हैं। देन वाटर इन ऑयल टाइप में हमारा क्या है, स्पैन SL20, क्या है स्पैन आपका, क्या है, लाइपोफिलिक है, क्या है, लाइपोफिलिक है। सर स्क्रीनशॉट लेना है। देन नेक्स्ट आता है आपका क्या, बैंक्रॉफ्ट रूल, बैंक्रॉफ्ट, यस डियर प्रगति, ट्विन इज हाइड्रोफिलिक, बैंक्रॉफ्ट रूल आपका क्या कहता है, बैंक्रॉफ्ट रूल आपका ये कहता है, रिलेशन ये बताता है किसके बीच, नेचर ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट एंड टाइप ऑफ इमल्शन फॉर्म, यानी कि कौन सा आपका इमल्सिफाइंग नेचर जो है, इमल्सिफाइंग एजेंट है, वो किस टाइप का इमल्शन फॉर्म करेगा। तो जो भी आपका क्या है, सर्फेक्टेंट है, अगर आपका वाटर सोल्यूबल होगा, कैसा होगा, वाटर सोल्यूबल होगा, तो वो ऑयल इन वाटर टाइप का ही इमल्शन फॉर्म करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि जो कंटिन्यूअस फेज है, जो आपका सर्फेक्टेंट है, वो किसमें आपका मिसिबल है, आपका जो कंटिन्यूअस फेज है, और कंटिन्यूअस फेज क्या है, ऑयल इन वाटर में, ऑयल इन वाटर में वाटर है, कौन सा, वाटर, और अगर वही हमारा सर्फेक्टेंट जो है किसमें है, ऑयल में सोल्यूबल है, तो वाटर इन ऑयल टाइप का आपका फॉर्म होगा क्या, इमल्शन, बैंक्रॉफ्ट रूल हमारा यही कहता है, बहुत सिंपल है बट ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ट्विन इज हाइड्रोफिलिक एंड स्पैन इज लाइपोफिलिक, यस डीएस सही है। देन एंटीऑक्सीडेंट के एग्जांपल्स, प्रोपाइल गैलेट, टोकोफेरॉल, स्कॉर्बिक एसिड, ये सारे हमारे क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन को
प्रिवेंट कराते हैं, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कराते हैं, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स के जनरेशन को भी इनहिबिट करते हैं। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डीपली डिस्कस किया था। देन हमारा क्या आता है, प्रिजर्वेटिव आता है। प्रिजर्वेटिव कौन कौन से हमारे, बेंजोइक एसिड है, मेथाइल पैराबीन, क्लोरोफॉर्म वाटर, क्लोरोक्रिसॉल एंड फिनॉक्सी एथेनॉल। देन टेस्ट के बारे में हमने बात की थी, फ्लेवरिंग एजेंट में हमारे कौन कौन से यूज होते हैं, लास्ट क्लास में हमने बात किया था। सेम वही हमारे यहाँ पे चार्ट है, बीटर जो है हमारे कौन कौन से बीटर हमारे टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, कौन कौन से एजेंट है, वाइल्ड चेरी, वालनेट, चॉकलेट, मिंट, एनीज, उसी तरह शॉल्टी और सोर और एक्सेसिवली स्वीट हमारे यूज हो रहे हैं। देन नेक्स्ट हम आते हैं थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन पे, जो भी हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट हैं वो हमारा किस तरीके से इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस कराते हैं, उसके बारे में मेनली तीन थ्योरीज हैं और इन थ्योरीज से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, तो ये थ्योरी आप अच्छे से समझिए। पहली थ्योरी जो है हमारी क्या है, रिडक्शन ऑफ इंटरफेसियल टेंशन, रिडक्शन ऑफ इंटरफेसियल टेंशन, यानी कि जो भी आपका इंटरफेसियल टेंशन जो होता है, दो आपके फ्लूड होते हैं, दो टाइप के आपके फ्लूड होते हैं, ऑयल एंड वाटर होता है, तो जो आपका इमल्सिफाइंग एजेंट होता है, कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट, वो क्या करता है, इनके बीच में जो जंक्शन होता है, लाइक आपका ये क्या है, वाटर है और ये ऑयल है, तो इनके बीच में क्या होगा, दोनों आपस में इमिसिबल है, तो क्या करेंगे, एक लेयर फॉर्म करेंगे, और यहीं पे जो हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट है क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं जो हमारा इंटरफेसियल टेंशन होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है रिडक्शन ऑफ इंटरफेसियल टेंशन, एडसॉर्प्शन ऑफ सर्फेक्टेंट लोअर्स द इंटरफेसियल टेंशन बिटवीन टू डिफरेंट लिक्विड। ध्यान दीजिएगा, एडसॉर्प्शन है, एडसॉर्प्शन हमारी क्या है, सरफेस फिनोमिना है, क्या है, सरफेस फिनोमिना है, और एब्जॉर्प्शन अगर होता है उसमें क्या होता है, पेनिट्रेशन होता है, तो टर्म्स याद रखिएगा, एडसॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन नहीं है। देन दूसरा क्या है, रिडक्शन इन द अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ डिस्पर्स लिक्विड लोअर्स द इंटरफेसियल फ्री एनर्जी, सो द सिस्टम विच द प्रिवेंट कोलेसेंस, यानी कि जो हमारा कोलेसेंस हो रहा है वो कैसे हमारा क्या होगा, ओवरकम होगा, जो इंटरफेसियल फ्री एनर्जी है उसको क्या करेंगे, हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट कम करेंगे, जिसकी वजह से जो बड़े बड़े फ्लॉक आपके ग्लोब्यूल्स फॉर्म हो रहे थे वो क्या होंगे, ओवरकम होंगे। देन सेकेंड आता है हमारा क्या, इंटरफेसियल फिल्म फॉर्मेशन, इंटरफेसियल फिल्म फॉर्मेशन, जैसा कि ये नाम ही बता रहा है, इंटरफेसियल फिल्म फॉर्मेशन, तो इसमें हमारा क्या होता है, एक हमारे इंटरफेसियल फिल्म फॉर्म होती है, एड्सॉर्ब होती है, जो भी हमारा ग्लोब्यूल्स होता है, इमल्सी कंसिडर्ड एज एक्सटेंडेड इंटरफेसियल टेंशन थ्योरी इन विच द एड्सॉर्ब इमल्सीफायर एट द इंटरफेस, यानी कि जो हमारा इमल्सीफायर है वो क्या हो रहा है, एड्सॉर्ब हो रहा है, कहाँ पे, इंटरफेस पे, किसके, जो भी हमारा ग्लोब्यूल्स है उसके सराउंडिंग, एंड फॉर्म ए मोनोलेयर और मल्टी मॉलिक्यूलर फिल्म विच प्रिवेंट दी कोलेसेंस। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे भी हमारा ये कोलेसेंस को ही प्रिवेंट कर रहा था, और जो पहला था, पहली जो थ्योरी थी उसमें भी हमारी कोलेसेंस की ही बात की गई थी, बल्क फिनोमिना। देन नेक्स्ट आता है क्या आपका, मोनो मॉलिक्यूलर फिल्म फॉर्मेशन, क्या है आपका, मोनो मॉलिक्यूलर फिल्म फॉर्मेशन, एब्जॉर्ब एट इंटरफेस ऑफ ड्रॉपलेट, यस डियर, देन आपका क्या आता है, मोनो मॉलिक्यूलर फिल्म फॉर्मुलेशन, मोनो मॉलिक्यूलर फिल्म फॉर्मुलेशन, ये थ्योरी क्या कहती है कि जो आपका दैट सर्टेन इमल्सिफाइंग एजेंट ओरिएंट देमसेल्फ अबाउट विद इन ए लिक्विड मैनर, यानी कि जो भी हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट है ये क्या कराता है, लिक्विड मैनर में पर्टिकुलर उसके चारों ओर क्या कराता है, फॉर्म करता है लेयर, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉलिबिलिटी उस पर्टिकुलर लिक्विड की क्या होती है, इंक्रीज होती है। एंड दिस थ्योरी अज्यूम्स दैट मोनो मॉलिक्यूलर लेयर ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट कर्व अराउंड ए ड्रॉपलेट ऑफ द इंटरनल फेज, जैसा कि हमने अभी बात किया था, सिम वही यहाँ पे डिस्क्राइब है कि जो हमारा क्या है इमल्सिफाइंग एजेंट है वो क्या कर, कोलेसेंस मीन जागृति एनजीओ, बच्चे कोलेसेंस मीन्स जो हमारे ऑयल ग्लोब्यूल्स हैं, जो छोटे छोटे सपोज ये ऑयल ग्लोब्यूल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं,
आपस में कलेक्ट होके बड़े से ग्लोब्यूल्स फॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारा इमल्शन है क्या हो रही है, उसकी स्टेबिलिटी अफेक्ट हो रही है, तो वो फार्मास्यूटिकली यूजफुल नहीं रह जाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, फोलमैन विशेल जो ये मेथड होता है ये हम किस लिए यूज करते हैं, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, इंपॉर्टेंट है। कौन सा? द जॉइनिंग और मर्जिंग ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म ए वन मास और होल। वेरी गुड डियर। फोलमैन विशेल आपका किस लिए यूज किया जाता है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए बच्चे। फोलमैन विसेल आपका किस लिए यूज किया जाता है? एनीवन? फोलमैन विसेल आपका ये मेथड किस लिए यूज किया जाता है? पार्टिकल साइज? नहीं बच्चे, बच्चे ये इमल्शन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। वेरी गुड, होमोजेनाइजेशन, ठीक है। तो इमल्शन के जो प्रिपरेशन का क्या होता है, इमल्शन के प्रिपरेशन में हम फोलमैन विसेल का यूज करते हैं। किसका? फोलमैन विसेल का। देन नेक्स्ट हम आते हैं हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, जो कि ग्रिफिन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। मिस्टर ग्रिफिन ने दिया था, और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि एचएलबी आपका किस लिए यूज होता है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एचएलबी रेंज से, लाइक आपकी किस रेंज से आपका कौन से एजेंट किस नेचर के होते हैं, लाइक आपका जो सोल्युबलाइजिंग एजेंट होते हैं वो 16 से 18 होते हैं। देन हाइड्रोफिलिक रेंज आपकी कहां से कहां तक होती है, और लिपोफिलिक रेंज आपकी कहां से कहां तक होती है। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। देन वेटिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, इन सभी से आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। लाइक आपका 1 से 3 तक जो होते हैं वो होते हैं क्या, एंटी फोमिंग एजेंट होते हैं, यानी कि फोम को प्रोड्यूस होने से इनिबिट करते हैं। और वाटर इन, देन नेक्स्ट है आपका क्या, 4 to 6 वाटर इन ऑयल टाइप के इमल्सिफाइंग एजेंट। वाटर इन ऑयल टाइप के इमल्सिफाइंग एजेंट आपके क्या होते हैं, 4 to 6। देन आता है वेटिंग एजेंट। क्या होता है आपके वेटिंग एजेंट, इनकी एचएलबी वैल्यू क्या होती है, 7 to 9 होती है। देन आपका आता है 9 to 16 ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर्म करते हैं। डिटर्जेंट यानी कि जो आपके फॉर्म फॉर्म करे वो सारे एजेंट आपके 13 to 15। एंड सोल्युबलाइजिंग एजेंट आपके क्या होते हैं, 16 to 18 हमारे फॉर्म करते हैं। क्या क्या होता है इसका एचएलबी वैल्यू। हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस होते हैं, इसका फुल फॉर्म यही है। देन नेक्स्ट आता है क्या आपका, प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड में हमारा पहला होता है ड्राई गम मेथड, दूसरा है वेट गम मेथड, एंड थर्ड वन इज बॉटल मेथड। बॉटल मेथड जो होता है वो मेनली यूज किया जाता है जो हमारे वोलेटाइल इन नेचर होते हैं, जो भी हमारा लिक्विड क्या होता है, वोलेटाइल इन नेचर होते हैं, उसमें हम यूज करते हैं। देन आता है क्या हमारा ड्राई गम मेथड। ड्राई गम मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले गम यूज करते हैं, ऑयल यूज करते हैं, देन गम यूज करते हैं, देन उसको ट्राइचुरेट करते हैं। ट्राइचुरेट में हमारा क्या होता है, ट्राइचुरेट में हमारी दो चीजें होती हैं, पहला तो होता है हमारा मिक्सिंग और दूसरी होती है साइज रिडक्शन। कौन सा होता है, पहला होता है हमारा मिक्सिंग, दूसरी होती है कौन सी, साइज रिडक्शन। देन क्या होता है, वाटर ऐड करते हैं और अगेन ट्राइचुरेट करते हैं। ये क्या हो, कौन सा होता है हमारा ड्राई गम मेथड। और अगर हम वेट गम की बात करते हैं तो जहां पे हम ऑयल यूज कर रहे थे वहीं पे हम क्या यूज करेंगे, वहां पे हम वाटर यूज करेंगे। ऑयल की जगह यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, वाटर, देन ट्राइचुरेट एंड एड ऑयल। जस्ट अपोजिट है किसका, ड्राई गम मेथड का, उसमें हम ट्राइचुरेट करने के बाद क्या कर रहे थे, वाटर एड
कर रहे थे, बट जो हमारा वाटर है, वेट गम मेथड है, उसमें हम यहाँ पे वाटर ऐड कर रहे हैं, देन अगेन ट्रैचुरेशन करते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है कि बॉटल मेथड किस टाइप के फ्लूड के लिए यूज किया जाता है, नॉन विस्कस ऑयल्स के लिए या फिर वोलाटाइल टाइप के फ्लूड्स के लिए। देन प्रोपोर्शन कौन सा आपका किस रेशियो में होता है, इसको याद करने के लिए आपका ट्रिक यहाँ पे लिखा है एफ एम वी ओ। एफ आपका डिनोट कर रहा है फिक्स्ड ऑयल को, देन एम जो है आपका मिनरल ऑयल, वी वोलाटाइल ऑयल एंड ओ आपका ओलियो रेजिन का। केवल फर्स्ट वन है आपका क्या है, जिसका रेशियो जो है 4:3:2:1, देन बाकी जो है उनके सारे रेशियो क्या है, सेम है, 4:2, 2:1, 2:1। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। इसमें बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होती है, बट मोटर एंड पेशल इन ट्रेचुरेशन। यस डियर, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है आपका रेशियो से। लाइक क्वेश्चन आपका पूछ लेगा क्या कि वोलाटाइल ऑयल जो होते हैं इसमें आपका रेशियो क्या होता है, किसका, ऑयल वाटर एंड गम का। तो आपको अगर याद है एफ एम वी ओ, वी आपका थर्ड पे आ रहा था, किस पे, थर्ड पे, तो 4:3:2:2 पे रहेगा, 2:2:1। तो इससे आप क्या कहेंगे, तुरंत सही आंसर टिक कर पाएंगे। तो याद रखिएगा ट्रिक एफ एम वी ओ, देन बाकी जो हमारे यहाँ पे रेशियो है वो मेंशन है और किस मेथड में कितना होता है। लाइक आपका एफ है कौन सा फिक्स्ड ऑयल मेथड में, तो ये कौन सा है आपका ड्राई या वेट गम मेथड में, ये होता है कौन सा, फिक्स्ड ऑयल का ये मेथड होता है, ये आपका रेशियो होता है। देन सेकेंड एंड थर्ड आपका किसका होता है, बॉटल मेथड के लिए होता है। नेक्स्ट आते हैं हम किस में, इमल्सीफाइंग एजेंट में। इमल्सीफाइंग एजेंट में मेनली हमारे दो क्वेश्चन, दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला या तो पूछेगा आपका HLB से, यानी कि आपकी जो HLB रेंज है वो आपका क्या है। सेकेंड वन, किस टाइप का आपका इमल्शन फॉर्म करेगा, क्या पूछेगा, किस टाइप का इमल्शन फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, अकेसिया, इसका HLB क्या है 8 और क्या है, ऑयल इन वाटर एंड ऑयल इन वाटर टाइप का फॉर्म कर रहा है। ट्रागाकैंथ भी आपका हमारा क्या कर रहा है, ऑयल इन वाटर, HLB इज 13.2। देन आते हैं हमारे कौन से, मोनोओलिएट, मोनोस्टेरेट, ये सारे हमारे क्या कराते हैं, वाटर इन ऑयल टाइप का फॉर्म कराते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कई बार पूछा गया है इंडस्ट्रियल मेथड, यानी कि लार्ज स्केल प्रिपरेशन में हमारा कौन सा यूज होता है, तो उसमें हमारे मैकेनिकल स्टरर यूज होते हैं। मैकेनिकल स्टरर में भी और डीप में जब पूछता है तो उसमें पूछता है किस टाइप के मिक्सचर यूज होते हैं, किस टाइप के मिक्सचर, तो टर्बाइन टाइप के मिक्सचर हमारे यूज होते हैं। किस टाइप के, टर्बाइन टाइप के यूज होते हैं। देन उसमें आपका कौन सा आता है, पैडल ब्लेड, काउंटर रोटेटिंग एंड प्लेटरी एक्शन ब्लेड आपके उसमें यूज होते हैं। देन होमोजिनाइजर, ये भी आपका किस में होता है, इंडस्ट्रियल मेथड में। पहला आपका क्या है, मैकेनिकल स्टरर, सेकेंड वन इज होमोजिनाइजर। होमोजिनाइजर में प्रेशर से मेनली क्वेश्चन पूछा गया है कि किस प्रेशर पे ये यूज होता है, कितने PSI पे, तो 500 to 25,000। कितना है, 500 to 25,000। इसमें क्या होता है कि मिक्सचर क्या होता है, एक स्मॉल ओरिफिस से हम हाई प्रेशर पे क्या कराते हैं, इजेक्ट कराते हैं। देन प्रेशर क्या होता है, 500 to 25,000। अल्ट्रासोनिफायर यूज एज होमोजिनाइजर, यानी इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इमल्शन जो होता है उसके मैन्युफैक्चरिंग में या फिर उसकी प्रिपरेशन में हम जो होता है एज ए होमोजिनाइजर क्या यूज करते हैं। ऑप्शन दे देगा आपके, उसमें एक ऑप्शन रहेगा आपका क्या, सोनिकेटर, अल्ट्रासोनिकेटर, तो वो आपको याद होना चाहिए कि उसका आंसर आपका क्या है, अल्ट्रासोनिकेटर है। देन नेक्स्ट आते हैं हम किसके बारे में, अल्ट्रासोनिकेटर, इसका प्रेशर कितना है आपका, 150 to 300। कितना है, 150 to 300। और प्रिंसिपल क्या है, फोलमैन लिक्विड विसेल। अभी हमने पूछा था ना आपका फोलमैन आपका किस लिए यूज होता है, तो किस लिए यूज होता है, इमल्शन के प्रिपरेशन में यूज होता है, इमल्शन के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। देन नेक्स्ट आता है आपका कोलाइडल मिल्स। कोलाइडल मिल्स किस प्रिंसिपल पे काम करती हैं, ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हाई शियर, किस पे, हाई शियर के, और रिलेटिवली आपका जो होता है
प्रिपरेशन ऑफ रिलेटिवली विस्कस इमल्शन, विस्कोसिटी इंक्रीज होती है किसकी, इमल्शन की एज कंपेयर टू अदर्स। चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं। सल्फोसक्सीनेट किस क्लास का सर्फेक्टेंट है, किस क्लास का सर्फेक्टेंट है, एनायनिक है, नॉन एनायनिक है या फिर आपका हेमिएस्टर एनायनिक है, किस क्लास का है, जल्दी से बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। बस बच्चे थोड़ी देर और क्लास चलेगी, जल्दी से इसका आंसर पहले आंसर दीजिए। सल्फोसक्सीनेट आपका किस क्लास का सर्फेक्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया हुआ है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। दीपांशु पांडे वेरी गुड डियर, एनायनिक एनायनिक वेरी गुड एनायनिक। सल्फोसक्सीनेट हमारे एनायनिक क्लास के होते हैं। देन नेक्स्ट आते हैं इनस्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन। अगर इमल्शन में हमारे फेज वॉल्यूम रेशियो और आपका कौन से फेज है कंटिन्यूअस और इमल्सिफाइंग एजेंट, इसके अलावा अगर कोई इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है तो वो है इनस्टेबिलिटी। आपका इनस्टेबिलिटी से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, लाइक आपका कोलिशंस में क्या होता है, फेज इन्वर्जन में क्या होता है, क्रैकिंग क्या होता है, देन वो कैसे ठीक होंगे, ओवरकम कैसे होंगे। तो आइए हम बात करते हैं कोलिशंस के बारे में। कोलिशंस क्या होता है, इज द ग्रोथ प्रोसेस इन विच स्मॉल पार्टिकल मर्ज विद अदर टू फॉर्म लार्ज पार्टिकल, यानी कि जो स्मॉल ग्लोब्यूल्स होती हैं हमारी वो क्या कहती हैं, लार्ज पार्टिकल्स हमारे फॉर्म कहते हैं। लाइक ये हमारा नॉर्मल सस्पेंशन है, अगर इसमें इंस्टेबिलिटी है किसकी, कोलसेंस की, तो ये क्या करेंगे, ये सारे मिलके क्या करेंगे, लार्ज ग्लोब्यूल्स फॉर्म कर लेंगे। देन ये क्या होता है, कोलसेंस इज फॉलोड बाई क्रीमिंग स्टेज, मेनली क्या होती है, क्रीमिंग स्टेज की फॉलोड होती है, मेनली क्या होता है, इनसफिशियंट इमल्सिफाइंग एजेंट। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, पहला आपका ये पूछेगा कि कोलसेंस होता क्या है, सेकंड वन होता है आपका इसको ओवरकम कैसे करेंगे, ये तो होता ही है, देन मेनली क्यों होता है, तो इमल्सिफाइंग एजेंट इनसफिशियंट होता है, ये उसका मेन रीजन होता है। देन फ्लॉकुलेशन, फ्लॉकुलेटेड डीफ्लॉकुलेटेड आपने सस्पेंशन में पढ़ा ही होगा, उसमें क्या होता है, हार्ड केक फॉर्म होता है, एक में हार्ड केक आपका नहीं फॉर्म होता है, तो यहाँ पे फ्लॉकुलेशन से क्या है, ग्लोब्यूल्स के बारे में बात हो रही है, इसमें क्या होता है, फ्लॉकुलेशन में दीज ग्लोब्यूल्स कम क्लोजर टू ईच अदर एंड फॉर्म फ्लॉक्स द एक्सटर्नल फेज। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा आपका, अगर इसमें डीप में पूछा कि अगर आपका फ्लॉकुलेशन से क्वेश्चन आया तो ये पूछेगा कि एक्सटर्नल फेज में हो रहा है, इंटरनल फेज में हो रहा है, या फिर पूछ लेगा बाई कंटिन्यूअस है, आपको आपको एकदम कंफर्म होना है कि आपका किस फेज में है, एक्सटर्नल फेज में हो रहा है ना कि इंटरनल फेज में। देन कैसे इसको ओवरकम करेंगे, प्रिवेंट फ्लॉकुलेशन, ग्लोब्यूल साइज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म प्रिवेंट फ्लॉकुलेशन, यानी कि जो उसकी साइज है ग्लोब्यूल साइज, अगर ऑयल की बात कर रहे हैं या फिर लिक्विड की बात कर रहे हैं तो ग्लोब्यूल साइज बोलेंगे, और अगर सस्पेंशन की बात कर रहे हैं तो पार्टिकल साइज बोलेंगे, तो जो ग्लोब्यूल साइज है वो क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म। देन नेक्स्ट है चेंज ऑन ग्लोबुलर सर्फेस, चेंज ऑन ग्लोबुलर सर्फेस अचीव बाई आयनिक इमल्सिफाइंग एजेंट, ये क्या कराते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस को चेंज कराते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस अप्लाई कराते हैं। वेरी गुड डियर, डीफ्लॉकुलेशन हार्ट केक और फार्मास्यूटिकली ये नॉट यूजफुल होते हैं। फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई, वेरी गुड, लूज एग्रीगेट फॉर्म करते हैं, विस्कोसिटी ऑफ एक्सटर्नल मीडियम, देन अगर जो हम इस एक्सटर्नल मीडियम है उसकी विस्कोसिटी की बात करते हैं तो ग्लोब्यूल बी इमोबिलाइज एंड प्रिवेंट फ्लॉकुलेशन, जो ग्लोब्यूल्स हैं उनको क्या करा सकते हैं, हम इमोबिलाइज करा के हम फ्लॉकुलेशन को प्रिवेंट करा सकते हैं। डीफ्लॉकुलेटेड हार्ड केक, यस डियर, यस प्रगति, यस डियर नीलेश, सही है।
क्लियर सॉल्यूशन फ्लॉकुलेशन। देन नेक्स्ट आता है हमारा क्या, क्रीमिंग। क्रीमिंग हमारी क्या होती है, क्रीमिंग तो पहली बात हमारा क्रीमिंग में क्वेश्चन कहां से पूछेगा, अपवर्ड कब होगा डाउनवर्ड कब होगा, सबसे पहला तो ये आएगा अपवर्ड कब होगा डाउनवर्ड कब होगा। जब जो हमारा वाटर है, वाटर क्या होता है ऑयल के कंपेरिजन में क्या होता है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लोब्यूल्स एट द टॉप और बॉटम, क्या टॉप और बॉटम ऑफ इमल्शन। देन प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम इसको, पार्टिकल साइज रिड्यूस करके और विस्कोसिटी को इंक्रीज करके, कैसे करके, विस्कोसिटी को इंक्रीज करके थिकनिंग एजेंट का यूज करके। अब जल्दी से बताइए थिकनिंग एजेंट के एग्जांपल, थिकनिंग एजेंट का मेन पर्पस विस्कोसिटी को इंक्रीज करना ही होता है, इसके एग्जांपल जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, थिकनिंग एजेंट के एग्जांपल एनीवन। यस डियर वैभव, वाटर इन ऑयल डाउनवर्ड क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी, और ऑयल इन वाटर में अपर फेस क्योंकि वो कंटिन्यूअस फॉर्म में है वाटर। थिकनिंग एजेंट, वेरी गुड डियर अभिषेक, अकेसिया ट्रगाकैन, वेरी गुड। देन हमारा क्या आता है, रिड्यूसिंग द डिफरेंस इन डेंसिटी, जो हमारी पार्टिकल्स की डेंसिटी है उसको क्या करा के हम रिड्यूस करा के हम क्रीमिंग को प्रिवेंट करा सकते हैं। देन हमारा क्या आता है, ब्रेकिंग और क्रैकिंग। ब्रेकिंग और क्रैकिंग में क्या होता है हमारा, व्हेन द कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ऑयल एंड एक्वस फेज इज रिवर्सिबल। सपोज जो हमारा इमल्शन है ये मिक्स है, बट ब्रेकिंग या क्रैकिंग में होता क्या है, ऑयल फेज आपका अलग सेपरेट हो जाएगा और जो वाटर फेज है वो अलग सेपरेट हो जाएगा, और ये जो प्रोसेस होती है ये इरिवर्सिबल होती है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी में हम क्या कर रहे थे, साइज रिड्यूस करके विस्कोसिटी इंक्रीज करके क्या करा रहे थे, उसको रिवर्सिबल करा ले रहे थे, उसको ठीक करा ले रहे थे। बट जो हमारा कौन सा है, ब्रेकिंग या क्रैकिंग है, ये क्या होता है हमारा इरिवर्सिबल टाइप का होता है, क्या होता है इरिवर्सिबल टाइप का होता है। देन अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जो होता है, अगर ग्रेजुअली या स्लो हम इसमें मिक्स करते हैं तो ये क्या कराएगा, अमोनियम ओलिएट इमल्शन, यानी कि जो ऐसा इमल्शन जिसमें हमारा अमोनियम ओलिएट प्रेजेंट है उसमें हम क्या ऐड करा रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड, तो ये क्या कराएगा, क्रैकिंग कॉज कराएगा। क्वेश्चन आपके ऐसे भी पूछे गए हैं, और भी एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से एजेंट लाइक हमारा नेक्स्ट आता है कौन सा, सोडियम क्लोराइड को अगर हम किस टाइप के सोडियम ओलिएट कंटेनिंग इमल्शन में अगर हम ऐड कराएंगे तो वो क्या कराएगा, डीस्टेबलाइज कराएगा, यानी कि फिर से वो भी क्या कराएगा, फेस सेपरेशन कॉज कराएगा। यस रिंकल इज रिवर्सिबल, क्रैकिंग इज इरिवर्सिबल वैभव, वेरी गुड। देन अकर्स ड्यू टू एडिशन ऑफ इनकम्पैटिबल इमल्सिफाइंग एजेंट। इनकम्पैटिबल इमल्सिफाइंग एजेंट का मतलब ये है, अगर ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन हमें उसमें ऐड करना है और हम ऐड कर दे रहे हैं वाटर इन ऑयल टाइप का, यानी कि जो हमारा क्या हमने बात किया था बैंक्रॉफ्ट रूल में, कंटिन्यूअस फेज जो है हमारा इमल्शन जिस वाटर से अगर हमारा मिसबिल हो रहा है तो क्या कराएगा, वाटर को कंटिन्यूअस फेज हमारा फॉर्म कराएगा। बट अगर हम इसका उल्टा कर रहे हैं तो वहां पे हमारा क्या कराएगा, वो इनकम्पैटिबल इमल्सिफाइंग एजेंट वही है हमारे। एग्जाम्पल्स मोनोवेलेंट एंड डाइवेलेंट सोप। देन नेक्स्ट आता है आपका फेज इन्वर्जन। फेज इन्वर्जन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। फेज इन्वर्जन ये है, बहुत सिंपल है। सपोज कोई इमल्शन आपका क्या है, ऑयल इन वाटर है, और क्या हो जाए, वो ऑयल इन वाटर है और वो वाटर इन ऑयल हो जाए, और जो फेज इन्वर्जन का हमारा रेशियो होता है वो क्या होता है, 74 होता है। कितना होता है, 74 होता है। अब जल्दी से बताइए 74 हमारा ऑयल इन वाटर के लिए होता है या वाटर इन ऑयल के लिए, पहले भी हमने डिस्कस किया था। अब फेज इन्वर्जन में क्या होता है, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन
क्या ऑयल इन वाटर क्या होता है, वाटर इन ऑयल में हो जाता है, या तो वाइस वर्सा, यानी कि इसका जस्ट उल्टा। अब ब्रॉट अबाउट बाई चेंजिंग द फेज वॉल्यूम रेशियो। अब चेंज जो फेज वॉल्यूम रेशियो है उसके होने के कई रीजन हो सकते हैं, या तो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से हो सकता है, या फिर एडिशनली हम इलेक्ट्रोलाइट उसमें ऐड कर दे रहे हैं इसकी वजह से भी यूज हो सकता है। रेशियो आपके दिए हुए बच्चे 74% किसके, ऑयल इन वाटर के लिए क्या है 74%, और वाटर इन ऑयल टाइप के लिए 40%। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा क्योंकि इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देन व्हेन स्टीरियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज एडेड, एनिमल्शन स्टेबलाइज्ड विथ सोडियम एल्जिनेट, इट विल चेंज नेचर ऑफ वाटर इन ऑयल टू और ऑयल इन वाटर। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है और आया हुआ है, और 2007 के अलावा ये रिसेंटली पूछा गया था जीपैड में, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। लास्ट वन आपका क्या है, जो कैल्शियम क्लोराइड है ये अगर हमारा सोडियम एल्जिनेट के इमल्शन में यूज किया जा रहा है, स्टेबलाइज इमल्शन स्टेबलाइज विथ सोडियम एल्जिनेट, तो ये क्या करेगा, वाटर इन ऑयल को ऑयल इन वाटर में ही चेंज कर देगा। क्या कहेगा, वाटर इन ऑयल को ऑयल इन वाटर में चेंज कर देगा। नेक्स्ट, ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, लाइक काइनेटिकली स्टेबल है ये पर्टिकुलर हमारा इमल्शन। सपोज ये वाटर इन ऑयल है, क्या है वाटर इन ऑयल है, बट यहाँ पे फेज इन्वर्जन हुआ और ये क्या हो गया, ऑयल इन वाटर हो गया, और ये सारी हमारी क्या इनस्टेबिलिटीज हैं, कौन सी, क्रीमिंग हो गया, सेडिमेंटेशन, अपवर्ड और डाउनवर्ड क्रीमिंग, फ्लॉकुलेशन, कोल्सेंस एंड ओसवाल्ड राइपनिंग। नेक्स्ट आते हैं फैक्टर्स विच इम्प्रूव फिजिकल स्टेबिलिटी, फैक्टर्स जो हमारे क्या करेंगे इमल्शन की फिजिकल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टिकल साइज की, तो जितना ही ज्यादा हमारा पार्टिकल साइज कम होगा हमारा इमल्शन क्या होगा उतना ही स्टेबलाइज होगा। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि जो नॉर्मल इमल्शन होते हैं उसकी कंपेयर अगर हम करते हैं माइक्रो इमल्शन से, तो माइक्रो इमल्शन हमारे क्या होते हैं ज्यादा स्टेबलाइज होते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल इमल्शन। देन पार्टिकल साइज, व्हेन साइज ऑफ डिस्पर्स ग्लोब्यूल इज लेस, यानी कि जो साइज है वो क्या है लेस है, तो डिक्रीज क्रीमिंग, यानी कि जो क्रीमिंग है वो क्या होगी डिक्रीज होगी। क्रीमिंग क्या है स्टेबिलिटी का ही हमारा डिफॉर्मिटी है, इनस्टेबिलिटी का ही डिफॉर्मिटी है, क्या है क्रीमिंग है। देन हमारा क्या आता है अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ हमारा क्या कहता है, जब हम ग्लोब्यूल्स के साइज को हाफ रिड्यूस करेंगे तो जो क्रीमिंग है क्या है क्रीमिंग है वो 4 times रिड्यूस होगा, क्या क्रीमिंग हमारा 4 times रिड्यूस होगा, और इससे क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारा क्या फेज वॉल्यूम रेशियो, ये अभी हमने डिस्कस किया, जो अपर फेज है हमारा उसकी लिमिट है क्या, उसकी लिमिट है हमारी इंटरनल फेज की, इंटरनल फेज लाइक आपका ऑयल इन वाटर है, तो यहाँ आपका इंटरनल फेज क्या है ऑयल है, तो उसकी अपर लिमिट है 74। कहने का मतलब अगर 74 से हमारा ज्यादा होता है तो जो हमारा ऑयल इन वाटर है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, वाटर इन ऑयल में, और यही होता है हमारा फेज वॉल्यूम फेज इन्वर्जन, इसी को हम बोलते हैं क्या फेज इन्वर्जन। देन फेज वॉल्यूम रेशियो भी आते हैं हमारे जो टाइप ऑफ फ्लो को शो करते हैं, ये चार्ट इंपॉर्टेंट है आपका, लाइक अगर 5% है तो न्यूटोनियन फ्लो को शो करेगा, और अगर 50 है तो वो स्यूडो प्लास्टिक को, और अगर 74 है तो वो प्लास्टिक फ्लो। न्यूटोनियन, स्यूडो प्लास्टिक और प्लास्टिक फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम बहुत जल्द डिस्कस करेंगे और डीप में डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट आता है हमारा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी हमारा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली होना चाहिए, यानी कि थ्रू आउट द सिस्टम क्या होना चाहिए, थ्रू आउट द सिस्टम वो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। देन आता है क्या विस्कोसिटी, नेक्स्ट आपका क्या है इवेल्युएशन ऑफ इमल्शन, इमल्शन का हम इवेल्युएशन कैसे करेंगे, तो पहला है हमारा स्ट्रेस कंडीशन में हमारा कौन सा आ रहा है सेंट्रीफ्यूगेशन आ रहा है, एजिटेशन एंड एजिंग एंड टेम्परेचर। सेंट्रीफ्यूगेशन में हम क्या कराते हैं हाई स्पीड पे हम सेंट्रीफ्यूज कराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है सेपरेशन ऑफ डिस्पर्स फेज, यानी कि जो हमारा इनकंटिन्यूअस फेज है या फिर सॉरी डिसकंटिन्यूअस फेज है उसका क्या होता है डिस्पर्स, उसका क्या होता है सेपरेशन होता है, किस वजह से होता है क्रीमिंग या फिर कोलसेंस की वजह से। जाहिर सी बात है अगर सेंट्रीफ्यूज कराएंगे
तो उसमें क्या होगा, क्रीमिंग या कोलसेंस होगी, तो इससे हम उसका क्या कराते हैं, इवेल्युएशन कराते हैं। नेक्स्ट आता है क्या आपका, एजिटेशन। ये क्या होता है, ब्राउनियन मूवमेंट का आइडिया देता है। अब ब्राउनियन मूवमेंट क्या होती है, ब्राउनियन मूवमेंट बहुत सिंपल सा है, लाइक कोई भी आप कोलोइडल आपका लिक्विड है उसमें आप देखेंगे लाइट जब उससे पास कराएंगे तो जिग जैग मोशन होती रहती है, ये आपका क्या है, ब्राउनियन मूवमेंट है। नेक्स्ट आता है कि आपका एजिंग एंड टेम्परेचर। एजिंग एंड टेम्परेचर में हम क्या कहते हैं, उसको अबव द टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर जिसपे स्टोर होना है उससे अबव टेम्परेचर पे उसको स्टोर कराते हैं। स्टोरिंग फाइनल प्रोडक्ट फॉर वेरिंग पीरियड ऑफ टाइम एट टेम्परेचर हायर देन नॉर्मल, यानी कि जो आपका रूम टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर है उससे हायर टेम्परेचर पे उसको क्या कहते हैं, स्टोर कराते हैं। देन आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम सैंपल विदड्रॉ फ्रॉम प्रिपरेशन एंड टेस्टेड फॉर विस्कोसिटी, रेंसिडिटी, फेज इन्वर्जन। रेंसिडिटी क्या होता है, एनीवन, रेंसिडिटी जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट, ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट, ये होता है हमारा क्या, रेंसिडिटी। आप देखेंगे कि कई बार क्या होता है, आपका डालडा वगैरह घर में एक लंबे टाइम के लिए पड़ा रहता है तो बहुत आप उसको सूंघेंगे, स्मेल करेंगे तो अजीब टाइप की स्मेल आती है, वो क्या है, वो कुछ नहीं है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और वही होती है हमारी रेंसिडिटी। नेक्स्ट आते हैं हम किस पे, फिजिकल पैरामीटर्स पे। फिजिकल पैरामीटर्स पे तो विस्कोसिटी हम इसकी किससे किससे पता करते हैं, तो हमारा ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर होता है और कप एंड कोन, कप कोन एंड प्लेट जो होता है वो विस्कोमीटर हमारा यूज होता है किसमें, विस्कोसिटी को पता करने के लिए। देन आता है हमारा क्या, जीटा पोटेंशियल, कंडीशन प्रैक्टिस इन अ कंडीशन प्रोड्यूस बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट प्रेजेंट इन फूड। वेरी गुड डियर अंकिता, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, वेरी गुड कुलदीप, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, वेरी गुड डियर। देन आता है हमारा क्या, जीटा पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल क्या होता है, जीटा साइजर इज यूज टू डिटरमाइन विस्कोसिटी एंड डिजायर्ड वैल्यू फॉर विस्कोसिटी, ये आपका इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस 25 मिलीवोल्ट। देन आपका आता है क्या, फेज सेपरेशन। फेज सेपरेशन क्रैकिंग या फिर ब्रेकिंग, ये क्या होता है, आफ्टर एजिंग। एजिंग यानी कि क्या है, जो भी उसकी एक्सपायरी डेट है, ऐसा हम टेम्परेचर या फिर एनवायरमेंट तैयार कर रहे हैं कि जो उसका एक्सपायरी है उससे पहले ही वो क्या हो जाए, उस एक्सपायरी डेट वाले एटमोसफियर में पहुंच जाए, लाइक उसका टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं, ये सारी कंडीशंस, रेंसिडिटी। तो इसमें क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व आफ्टर एजिंग ऑफ एन इमल्शन मे बी ऑब्जर्व विजुअली और बाई मेजरिंग ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेपरेशन फेज, यानी कि जो फेज हमारा सेपरेट हुआ है उसको मेजर करके, या फिर जो हमारी एजिंग से जो भी हमारी डिफॉर्मिटी आई है उनको हम मेजर करके। देन पार्टिकल साइज एनालिसिस, काउल्टर काउंटर एंड मेलबर्न साइज, हमने पहले ही अभी बात किया था, मेलबर्न साइज एनालाइजर किस लिए यूज होता है, पार्टिकल साइज को। काउल्टर काउंटर तो बच्चे ऑलमोस्ट सभी को याद होगा, बट जो मेलबर्न साइज एनालाइजर है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा और इससे आया हुआ क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट आता है हमारा क्या, केमिकल पैरामीटर डिटर्मिनेशन ऑफ रेंसिडिटी। केमिकल पैरामीटर्स डिटर्मिनेशन ऑफ रेंसिडिटी, दिस प्रॉब्लम इज सीवियर इन केस ऑफ अनसेचुरेटेड ऑयल। यूजुअली रेंसिडिटी हमारी किसमें होती है, अनसेचुरेटेड, डालडा हमारा किसका एग्जाम्पल है, अनसेचुरेटेड फैट का ही एग्जाम्पल है। देन इट्स डेरिवेटिव। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट्स टू रिमेम्बर, मिसेल्स। मिसेल्स क्या होते हैं, मिसेल्स हमारे मोनोमर एग्रीगेट्स होते हैं किसके, सर्फेक्टेंट के। मिसेल्स आर रिजल्ट ऑफ सेल्स स्ट्रक्चरिंग सर्फेक्टेंट इन ऑर्डर टू रीच स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी, ठीक है। देन कंसंट्रेशन एट विच सीएमसी हमारा किस पे फॉर्म होता है, कंसंट्रेशन एट विच मिसेल, सॉरी मिसेल हमारा किस टेम्परेचर फॉर्म होता है, सीएमसी पे, यानी क्रिटिकल
मिसेल कंसंट्रेशन, जिस हमारा कंसंट्रेशन पे मिसेल फॉर्म हो उसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल मिसेल, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है. देन इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेज ऑफ इमल्शन हैव रिसेंटली बीन आइडेंटिफाइड बाई फ्रीज फ्रैक्चर माइक्रोग्राफी. कहने का मतलब क्या है, जो इंटरनल और एक्सटर्नल फेज है इमल्शन के, लाइक ऑयल इन वॉटर है या वॉटर इन ऑयल है, इसका क्या इंटरनल और एक्सटर्नल जो फेज है इसका रिसेंटली आइडेंटिफाई किया गया है इमल्शन का फ्रीज फ्रैक्चर माइक्रोग्राफी, किया फ्रीज फ्रैक्चर माइक्रोग्राफी. नेक्स्ट आता है हमारा क्या, एंटी फोमिंग एजेंट. इसके एग्जाम्पल्स हमारे क्या है, एथाइल एल्कोहल, सिलिकॉन डेरिवेटिव एंड ऑयल्स. एक्यूमुलेशन ऑफ सर्फेक्टेंट इज मिसेल्स, वेरी गुड. जागृति मोनोमर एग्रीगेट, करेक्ट डियर, नीलेस एग्रीगेट. देन ट्विन इज यूज एज सोलिबलाइजिंग एजेंट टू सोलिबलाइज टेस्टोस्टेरोन इन लिक्विड डोजेस फॉर्म. ये आपका इंपॉर्टेंट है और आया हुआ क्वेश्चन है कि ट्विन जो होता है किस टेस्टोस्टेरोन जो होता है लिक्विड डोज फॉर्म में अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो हम कौन सा सर्फेक्टेंट यूज कर रहे हैं, तो वहां पे हम ट्विन यूज कर रहे हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा. नेक्स्ट आता है आपका क्रिटिकल वैल्यू फॉर फेज वॉल्यूम रेशियो. ऑयल इन वाटर के लिए आपका क्या है 74%, कितना ऑयल इन वाटर के लिए कितना है 74% और वाटर इन ऑयल टाइप के लिए आपका कितना है 40%. ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा इसमें. नेक्स्ट आता है आपका पोलमैन विसेल. पोलमैन विसेल आपका किसमें यूज हो रहा था, इमल्शन के प्रिपरेशन में, और देखिए ये आया हुआ क्वेश्चन है गेट 5 में और इसके बाद भी ये पूछा गया है जीपैड 2015 में, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है तो आप इसको जरूर याद रखिएगा. होमोजेनाइजेशन ऑफ इमल्शन इज डन बाई अल्ट्रासोनिफिकेशन, ये भी हमने पढ़ा था अभी. क्या होमोजेनाइजेशन ऑफ इमल्शन इज डन बाई अल्ट्रासोनिफायर, अल्ट्रासोनिफायर. देन आता है हमारा क्या हार्ड सोप जो होते हैं क्या करते हैं, वाटर इन ऑयल टाइप के इमल्शन फॉर्म करते हैं, और जो सॉफ्ट सोप होते हैं वो क्या होते हैं लो पीएच पे हमारे क्या होते हैं, लो पीएच पे हमारे इमल्शन देते हैं, कौन से सॉफ्ट. देन सल्फोसक्सिनेट, वेरी गुड, एनायनिक सर्फेक्टेंट. मैंने पूछा था अभी थोड़ी देर पहले सल्फोसक्सिनेट जो होते हैं हेमी एस्टर एनायनिक सर्फेक्टेंट होते हैं, किसमें फार्मास्यूटिकल इमल्शंस में. देन थ्योरी ऑफ इमल्शंस, हमारी कौन कौन सी थ्योरी है इमल्शन की, फिल्म फॉर्मुलेशन है, मॉलिक्यूलर एड्सॉर्प्शन है एंड सॉलिड पार्टिकल एड्सॉर्प्शन है, कौन सी है सॉलिड पार्टिकल एड्सॉर्प्शन. तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, आज हमने डिस्कस किया जो भी हमारे इमल्शंस हैं उससे रिलेटेड जो भी हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उसके बारे में डिस्कस किया, और मंडे को आपकी क्लास लेंगे, अब सेक सर क्लास लेंगे इकोलॉजी की, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम फिर से किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ डोजेस फॉर्म में फार्मास्यूटिकल डोजेस. तब तक के लिए डियर स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट.